तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजे 7:30 और पापा ना इसको लेके पता नहीं कहाँ चले गए। हम नाश्ता बना रहा और पहले ढूंढ के आती हूँ कहाँ है, पता नहीं कौन सी गली में लेके गए हैं पापा इसको। तभी मैं जा रही हूँ तलखाल और दादी बैठ रही थी पीछे। तो पापा यहाँ प्रीति लोगों को यहाँ लेके गए। दादी कह रही थी उसको अपने गली से बाहर मत ले जाना। पापा दाई रास्ते कहाँ घूम रहा है तू सुबह सुबह ए गधे। चलो चलो गल खाना नाश्ता करना। नहीं 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 ओ दादी हाँ नहीं बनना बन गया रोटा। हाँ बन गया। मैं वहाँ ढूंढ रही पापा को, मैंने कहा चलो नाश्ता करेंगे। पापा बता नहीं कहाँ गए। पापा को दादी नहीं खाती सॉस। ये देखो तुम सुबह सुबह नोट कमा के ला रहे हो, दस कमा के ला रहा होगा लोगों के घरों में जा जाके चट पकड़ता है फिर नोट, बाकी चीजें छोड़ देता वो चलो नाश्ता। चलो यार चाय रखती हूँ मैं फूका। तो ये हमारा किचन ना, मतलब जब सीरिया सुरती मतलब हम लोग घर ही हुए तो ये किचन ऐसा है कि जब हाँ कोई इसकी डिलीवरी होती है ना, जैसे मम्मी लोगों की हुई थी तो फिर ये स्वील बोलते हैं उसको, मतलब जैसे नई नई डिलीवरी होती है जिनकी ना तो उन औरतों को स्वील बोलते हैं। तो स्वील लड़ाई है बन जाता है ये पूरा। तो यहाँ किचन विचन सब बल्ले कमरे में सेट हो जाते हैं और यहाँ सिर्फ बच्चा और माँ रहती है। तो यहाँ क्योंकि आग वाग सही रहता है ना, तो वो जूट वाली जो गाँव में पुरानी होती ना चारपाई तो वो रहती थी यहाँ पे इधर को। और एक तसला रहता था बड़ा सा, उसमें फिर जैसे आग वाग जलाते थे, बच्चे को सेकते थे, नहलाते थे, सब कुछ यही होता था 11-12 दिन तक। मतलब वैसे तो बहुत टाइम तक 1.5-2 महीने तक यही रहती है, बट 11-12 दिन तक तो यहाँ से अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से अगर एंटर कर दिया अंदर तो फिर नहा के गंगा जल से गोंद से नहाना पड़ता था, शुद्ध होना पड़ता था, फिर जाके तुम कहीं बार बार जा सकते थे। तो ऐसा सीन था। तो हम यहाँ पे आते थे, जैसे हमें बच्चे को देखना होता था ना जब सीरिया सुरती लोग हुए थे तो हमें देखना होता था ना, हम जानबूझ के धक्का नीति ने हम ना धक्का दे के अंदर आ जाते थे ताकि हमें देखने को मिले। अब बोलते थे अरे नहीं इसने धक्का दे दिया। तो बहुत बहुत कुछ बहुत मजा आती थी लेकिन उस टाइम पे ना। बट अब तो है, मतलब इनके यहाँ तो नहीं होता ऐसा, बट हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि उस कमरे में नहीं जाते ना। तो इसलिए पापा लोग दादी लोग सब जब 21 दिन में शुद्धिकरण हो गया था तब आए थे। पानी पे लगते जैसे शुद्ध हवन हो जाता उसके बाद आते, तब तक खाते भी नहीं है ऐसे यहाँ से। तो दादी वो वाले किचन से बना के फिर दादी चाची के लिए यहाँ से पास करवा देती है ऐसे। फिर दादा चाची यहीं पर अपना खाना पीना खा के सब कुछ ऐसा। पर नहाने के लिए सीलड़ नहाने के लिए पता है अंधेरे के उधर को एक ना अलग से घर वो बना रखा बाथरूम, तो जो भी स्वीलड़ होती है ना सब उधर जाते हैं नहाने के लिए। फिर वहीं अपने बच्चे के कपड़े धो के फिर आते हैं अंधेरे से जब 11-12 दिन तक, मतलब जब तक पानी भी नहीं लगता तब तक वहीं जाते हैं। तो ऐसा सीन होता है इधर। फिलहाल मैंने ना पोहे बनाए हुए हैं और फटाफट रखती हूँ क्योंकि पोहे ठंडे हो गए तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो चलो तो हम नाश्ता करके करती हूँ और आज मेरे को वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना के अभी थोड़ी देर में जब सब काम नहीं पड़ जाएगा सुबह का पापा बोलेंगे इसको तुम घुमा के लाओ या कहीं लेके जाओ, बट मैं वीडियो बना रही हूँ। 10-15 मिनट का मतलब लगेगा टाइम, तो फिर तब ले आना है ना क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शांत चाहिए होता ना। अभी इधर से आवाज़ आ रही उधर से आवाज़ आ रही तो फिर अच्छे से नहीं बन पाती। वैसे भी मेरे पे माइक नहीं है ना तो फिर वो नहीं हो पाता। सोच रही एक माइक ले ही लूँ क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं आवाज़ नहीं आ रही। तो कभी कभी लगता है मुझे आवाज़ बहुत कम आ जाती है, कभी ठीक आती है। चलो फिर है ना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ओके जरा जरा भिजवाड़े पजामे भी ढीली होगी उसकी, डायपर पहना पहना जय कर दे जरा जय कर हेलो कर जय नहीं कर रहे जय कर दे जरा क्या मूड तो उसका खराब हो जाता है एकदम। ओ देखो देख देख। तो यार अभी काजल की शादी का सामान तो सार रहे हैं यहाँ पंचायत घर में। अब ठीक है, पहले घरों घरों तक आना पड़ता था, अब वहीं पे गाड़ी आती है और वहीं से पंचायती घर में सामान सारा वहीं बनता है खाना। सही कर दिया अभी मैंने।
तो गाइस अभी यहाँ पे मस्त एकदम धमाकेदार बारिश हो रही है और मैं लेके जा रही हूँ ऊपर चाय और इसका दूध। रेखा तो मेरी थर्मस है तो अभी ज़रा मैं चाय यहाँ रख देती हूँ ऊपर और तब जाती हूँ। और आज मौसम बहुत सही हो रखा, गर्मी से राहत। वैसे तो इतने यहाँ होती भी नहीं है। वो देखो चिड़ियाओं के लिए पानी रखा था वहाँ, हमारी कटोरी ऐसे भीग रही है। बारिश आ रही है तो तभी चैन नहीं है, घूमना है इसको। छतरी के नीचे घूमना चाहिए है ना, है ना। चलो ऊपर वापस, बारिश आ रही है, चलो आ जा, चलो ऊपर चलेंगे, चलो जाना तो तुझे ऊपर ही पड़ेगा बेटा। देख बारिश आ रही बाहर, कहाँ घूमेगा अभी, कहाँ घूमेगा, बारिश आ रही ना। जो घूमना गया थे बरखम, हाँ बादल जबरदस्ती उठा रहे मुझे, साढ़े नौ हो रही ना रात को। कौन जाके गया उसके साथ, वहाँ कहीं नहीं सर। हाँ तो कर दो पंखा बंद, रपचट हो जाएगा अभी, उसे फेंक देगा टिकन में। तो अभी तो हम सुलाते नहीं उसको इस टाइम, आज तो ज्यादा ही लंबा सो गया, मुझे लगा चल 10-15 मिनट में उड़ जाएगा। हम तो भूल गए ना, पानी मत नहीं दी, ठंड गुशेली बीमार लगे ली। चलो भाई और अब बना चाहिए, अब लो बल मशीन नहीं ला रहे हम, नहीं ला रहे भाई, अब चले गए, अब हम नहीं ला रहे भाई मशीन। आप इधर आ गए ना, हम नहीं ला रहे भाई। अरे हमें लाएंगे फिर बोले दादी हाँ मैं चले गई तभी ला रहे हो। ना ना फुका लिया हुआ। अरे नहीं ला रहे यार फुका, कोई बात नहीं, यहाँ से दो। कौन रिंगा रहा है यार इधर उधर, फिर इधर से मकान उधर से। रात की तैयारी कर रहा हो, आज कीर्तन कराएगा तो उठिन नहीं आयु बाबा, वही तो कदा नींद आनी है बाबा, जन दिन हम नहीं सुयूं। बोलो घोड़ा बेच के सो रहा नानू नानू बा।